आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस पैंडेमिक सिचुएशन का इफेक्ट पूरी दुनिया को हुआ। इंडिया के जीडीपी के सभी रेशो माइनस में चले गए, बट इन सब के बावजूद भी पॉजिटिविटी के ओर लेके जाने वाले हमारे फार्मर्स के बारे में कभी कोई बात नहीं करता या फिर करना नहीं चाहता। फूड ये हमारे कितने बेसिक और इम्पोर्टेंट नीड है ये लॉकडाउन ने हमें बता दिया। But do you know about the 40% of food produced in India is wasted? But हमें इससे क्या? ये तो फार्मर का कंसर्न है। हमारे माइंड में करियर को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। इवन एक फार्मर भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर का ऑप्शन करियर के तौर पे नहीं देना चाहता। वही दूसरी ओर सचिन काले जैसे मैकेनिकल इंजीनियर ने अपना 24 लाख का जॉब छोड़ के इनोवेटिव एग्रीलैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू कर फार्मर्स को न्यू मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक सिखा के उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने में उनकी हेल्प की। अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे वो कितना कमाते होंगे तो एक मिनट, उनका टर्नओवर अराउंड 2 करोड़ है। शॉक हो गए ना? कभी सोचा था कोई ऐसा बिजनेस मॉडल भी होगा जो फार्मर्स को इतनी हेल्प करता हो? अगर सोचा नहीं तो अभी भी वक्त है, थिंक अबाउट इट। 1943 तक गुजरात को कैरेट का टेस्ट पता नहीं, बट एक फिफ्थ वेल वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया ने अपने फादर्स के फार्मिंग में हेल्प करते समय गाय भैंसों को दिए जाने वाले चारों में से गाजर का टुकड़ा उठाया, उसको वो खाने लगे और उनको वो डिलीशियस भी लगा। उन्होंने अपने फादर्स को उसकी खेती करने का सजेशन भी दिया, बट उसको वो हंस के इग्नोर कर दिया। बट वल्लभ भाई ने कुछ गाजरों का प्रोडक्शन और सेल कर अपने फादर को गलत साबित कर दिया और उनके फादर ने उनकी हेल्प करने का डिसीजन ले लिया। द नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद मोहब्बत खान III बिकेम हिज रेगुलर कस्टमर और उनकी इसी सक्सेस को देखते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इतना सब होते हुए फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन का सही रेट नहीं, बट हमें उसे क्या? ये तो फार्मर्स का प्रॉब्लम है। हमारा तो मेन फोकस बॉलीवुड का नेपोटिज्म पर है। हाल ही में पास की हुई फार्मर बिल को लेकर होने वाले प्रोटेक्ट्स के बारे आधे से लोग अनजान, क्योंकि हमारे मीडिया को वीड से ज्यादा वीड में इंटरेस्ट है। हमें गांव, नेचर, ट्रेकिंग इन सब का बड़ा लगाव है, बट जब हम फार्मिंग एग्रीकल्चर इनकी बात करते हैं तो हमारे मन में एक सिंपैथी रहती है। एग्रीकल्चर की बिगड़ती कंडीशंस और उनके बारे में बातें करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन में भी सेकेंड रैंक पे है, फिश प्रोडक्शन में थर्ड रैंक पे, एग्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन में फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक पे। अगर अभी भी आप इसे बिजनेस मॉडल नहीं समझ रहे हो तो थिंक अबाउट इट। एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड जहां हम न्यू टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड एक्सपीरियंस को जोड़कर कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक चेंज ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी फाउंडेशन, जिसने कई गांवों को फिर से बसने में हेल्प की। एग्री ऐप, किसान योजना जैसे एंड्रॉइड ऐप आपको नई योजना के बारे में, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में हेल्प करेंगे। बट हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि हमारे रूट्स इसी मिट्टी से जुड़े हैं और इस मिट्टी को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। माना कि ये कोई सुपर हीरोज नहीं, बट इनका काम कोई सुपर हीरो से कम नहीं। बिकॉज फार्मिंग इज़न्ट अ बैटल अगेंस्ट नेचर, बट अ पार्टनरशिप विद इट।